एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट ये है कि देखें जी, बाहर जो हालात हैं या बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो ख़वातीन के लिए सेफ नहीं है। इस माइंडसेट को किस तरह चेंज किया जाए? दिस इज़ अ वेरी सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज़, फॉर वेमेन। तो मेरा ख्याल में सब औरतों को ये ज्वाइन करना चाहिए। सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई ऐसी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, सब ख़वातीन होती हैं। अकेले जब आप करेंगे तो उसमें हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन जब आप यूनिटी के साथ चलते हैं और आप जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर आपको कोई तंग भी नहीं करता। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही बि कद्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं आज आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहा हूँ उनका एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है आयशा खुरम। आयशा खुरम इज़ आल्सो वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट एट वुमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बड़ी ही इंस्पायरेशनल और बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी स्टोरी है। आइए मिलते हैं आयशा खुरम से और जानते हैं उनकी कामयाबी का सफ़र। थैंक यू वेरी मच आयशा खुरम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। आई मीन, व्हाट अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बिजनेसेस माशाल्लाह, फिर कंसल्टेंसीज के भी प्रोजेक्ट्स किए और अभी भी आप कर रही हैं। यू आर ऑल्सो वर्किंग एज ए वाइस प्रेजिडेंट ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो किस तरह से घर के लिए भी टाइम निकाल लेती हैं और ये एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करती हैं? आई थिंक थोड़ा सा अल्लाह तवक्कल हो जाए ना, तो हर चीज़ अल्लाह में या खुद ही आपकी सेटल डाउन करते जाते हैं और आपको उसी राह पर निकालते हैं जो कि उनके हक़ में हमारे लिए बेहतर है। वो जो समझता है वो हमें उसी राह पर निकालता है। इसीलिए अगर मुझे कोई कहे ना कि अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करें या कुछ करें, मैं अपने ईज़ पे, अपने जो मैं जिसको इंजॉय करना चाहूँ, आई वुड लाइक टू डू दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, इतना टाइम जब आप स्पेंड करती हैं बाहर भी, घर वालों को भी, तो घर वाले कहते नहीं हैं कि यार हमें तो आप टाइम नहीं देती? बच्चे भी कहते होंगे, मतलब जो आपके जो हस्बैंड हैं वो भी कहते होंगे। तो किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आप करती हैं? मैंने जब भी कोई डेजिग्नेशन ली है, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली से कंसल्ट किया, उनसे मैंने पूछा। और देखिए, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, माई हस्बैंड इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, हाईली एजुकेटेड, लेकिन फिर भी जो रोल्स इस्लाम ने उनको दिया है ना, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनसे पूछ के करूँ। तो उनसे पूछा मैंने, बच्चों से पूछा कि विल यू कोऑपरेट विद मी, दे सेड के यस वी विल डू। और माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप्स, दो तो मैरिड हैं उसमें से। तो आई थिंक कि मेरे लिए ये भी अच्छा था कि अब मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकल आया था। बिल्कुल सही, ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा आयशा, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और जो फेसबुक का जो हमारा सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी लूँगा। तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन ये था कि देखें, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इश्यूज़ चल रहे हैं, एक जो है वो कमाने वाला है, 10 से 15 लोग खाने वाले हैं। तो मैम से हमारे बिहाफ पे ये पूछें कि वो तो माशाल्लाह वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना काम करी है, यहाँ तो बंदा भी निकलता है बाहर, तो वो उस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए? मेरा ख्याल में अब जितनी महंगाई हो गई है और कोरोना के बाद भी देखा जाए, मैं समझती हूँ महंगाई ने ज़्यादा वैसे रोल प्ले की है कि अब एक पे के सर पे नहीं बैठना चाहिए। देखें, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, मुझे पता है कि मेरी फैमिली को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मैं अगर जाके अपने हस्बैंड को मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी भी एक दो फॉरेन ट्रिप्स किए मैंने, खुद किए हैं, मैं आई वोंट बी डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड ऑन दिस थिंग ऑल्सो, मैं करूँगी ही वो जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। यही बात मैं उन ख़वातीन को भी कहती हूँ कि प्लीज़ अपने हस्बैंड्स के साथ अब कॉपरेट करो, अपने बच्चों के साथ कॉपरेट करो और आओ निकलो मैदान में। सिर्फ ये नहीं है कि आपने खुदा ना खास्ता कोई बहुत गलत काम है, नहीं, औरतों के लिए बहुत से अच्छे काम है और आप खुद अपने लिए अच्छा रास्ता बनाते हैं। जब आप खुद कहेंगे कि हमने सही रास्ते पे चल रहे हैं, देखिए अल्लाह में आपकी मदद करेगा। अभी मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि भई हमें भाई घर बना दे, तो मैंने कहा ठीक है, घर मैं बना के दूंगी, ज़मीन तुम खरीदोगे, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। लेकिन इतनी डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारी कौम, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और मेरा ख्याल में
इसमें इनकी वाइफ्स का भी हाथ है और बच्चों का भी हाथ है, जो बच्चों में बच्चे पैदा किए जाते हैं लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने पढ़ना कैसे और आगे लिखना। अभी मैं पिछले दिनों श्रीलंका गई हुई थी, मुझे इतनी खुशी हुई देख के, 95% लिटरेसी रेट है और मेरा ख्याल में हमारे यहाँ पे शायद 5% होगा। दैट इज़ सो अनोइंग और शेमफुल, और मेरा ख्याल में हमें थोड़ा सा निकलना है अपने घरों से और सेफ्टी मेजर्स के साथ निकलना है। किसी के लिए हैरेसमेंट नहीं है, हैरेसमेंट आप अपने लिए खुद भी बनाते हैं। अगर आप स्ट्रांग होंगे, अगर आप अल्लाह से दुआ करके निकलेंगे, आपके रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। एग्री। लेकिन आयशा, एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट ये है कि देखें जी, बाहर जो हालात हैं या बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो खवातीन के लिए सेफ नहीं है। इस माइंडसेट को किस तरह चेंज किया जाए? जब आप एक बाप देखता है, जब एक भाई देखता है, जब वो सोशल मीडिया पे सुनता है, देखता है कि यार ये सिलसिले इस तरह से हो रहे हैं, किस तरह कन्विंस किया जाए? वो खवातीन जो घर बैठी हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, कैसे उनको कन्विंस किया जाए कि यार वो निकले बाहर, अपने माँ बाप को कह सके? आपको पता है, मैंने अभी, हमारा काम ही चेंबर में ये है कि लोगों को, औरतों को स्पेशली मोटिवेट करना और उनको आगे लेकर आना है थ्रू एग्जीबिशंस और थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो यही अब हमारा काम है कि हम इनको आगे लेके निकले। और देखिए, जिस तरह मैं इससे एक प्लेटफॉर्म में हूँ, दिस इज़ अ वेरी सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज़, फॉर वेमेन। तो मेरा ख्याल में सब औरतों को ये ज्वाइन करना चाहिए। सिक्योरिटी है यहाँ पे और कोई ऐसी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, सब खवातीन होती हैं। और मेरा ख्याल में अकेले जब आप करेंगे तो उसमें हर्डल्स तो आती हैं, लेकिन जब आप यूनिटी के साथ चलते हैं और आप जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर आपको कोई तंग भी नहीं करता। बिल्कुल सही। एक हमारी फॉलोअर हैं लिंक्डइन पर, उनका एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ये था कि मेरे जो फादर हैं, बहुत मुझे तो बड़ा दर्द भरा ये सवाल लगा उनका। वो ये कहती हैं कि मेरे फादर जो हैं, उन्होंने मुझे एक स्कूल में दाखिल कराया जो कि बहुत ही मतलब नीचे लेवल का था, और मेरे भाई को एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। फिर जब मैंने मैट्रिक कर लिया और जब मैंने एफए कर लिया तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब तुम आगे नहीं पढ़ोगी क्योंकि अब हमने तुम्हारी शादी करनी है। वो कहती है मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैडम से ये पूछे कि मैं अपने फादर को किस तरह कन्विंस करूँ? कन्विंस तो माँ ही कर सकती है। मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा माँ का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ में। और मैं पता नहीं क्यों, मेरी तो हर चीज़ पे जाके यही बात होती है कि जब इस्लाम ने कहा है आपको करने के लिए, तो चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे जो मर्ज़ी आपका कोई रिश्तेदार हो, आपने जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो आपने करना ही करना है, फिर तो नो इफ्स एंड बट्स। तो यहाँ पर तो बाप की बहुत बड़ी गलती है, और उसको थोड़ा सा अगर आप मोटिवेट करना चाहेंगे थ्रू डिफरेंट लाइंस ऑफ इस्लाम और कुरान के हदीस के हवाले से, तो मेरा ख्याल में उसको फिर ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मेरे घर में माशाल्लाह सब काम कर रहे हैं, तो और करना भी चाहिए। देखें जो हालात हैं आजकल, क्यों आप बैठे? मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो, उसने ऑनलाइन काम कर लिया, उसने कुछ, अब देखें इनकरेजमेंट भी होती है, चाहे उसने $60 कमाए, $70 कमाए, एक आप उसको इनकरेज करें। इनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। तो आप ये कह दें ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखें अपनी नज़र से देखते हैं कि 10,000 15,000 शायद इतनी बढ़, लेकिन यहीं से स्टार्ट होता है, कतरा कतरा मिलकर दरिया, और यहीं से आपने स्टार्ट होना है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, एक चीज़ और ये बताइएगा कि तालीम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है खवातीन के लिए? देखें काफ़ी हमें सिंगल मदर्स मिलती हैं, बहुत सारी इश्यूज़ उनकी मिलती हैं, जो बेचारी जो पढ़ी लिखी हैं वो तो फिर खुदा ना खास्ता लाइफ में कोई मसला आता है वो संभाल लेती हैं अपने आप को, जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए फिर बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को कि वो तालीम पे कितना फोकस करें? उफ, तालीम तो देखें ना जेवर है हमारे लिए, तो तालीम के मेरा तो ख्याल में इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, द मोर द बेटर। तो जितना आप तालीम हासिल करेंगे प्रोफेशनल, अब तो इतनी लाइंस, इतनी डिग्रीज़ हैं, हमारे ज़माने में डिग्रीज़ कम होती थी और एक स्पेसिफिक लाइन थी, एफए, एफएससी, बीए, बीएससी, एमएएमएस इनकी थी। अब तो बच्चों के पास चॉइस है कि आपका जिस तरफ आपका एप्टीट्यूड है आपने वो लाइन अपने लिए एक्वायर करनी है। तो आई थिंक, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल में थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए, वो इस तरह के हमें एजुकेशन में फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, स्पेशली वो बच्चे या वो बच्चे और बच्चियाँ जो पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाएं, या एक सर्टन लेवल तक अगर एजुकेशन फ्री की जाए तो बहुत से, हमारा तो लिटरेसी रेट तो आई एम श्योर बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा आयशा, जब आपने अपने बिज़नेस स्टार्ट किया, घर वालों ने जो सपोर्ट किया, अक्सर जो फैमिली के इर्द गिर्द लोग होते हैं
मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा रिश्तों के, अब बात यह है कि होते हैं कुछ लोग जो कहते हैं नहीं नहीं यार इसको नहीं करना चाहिए था, घर संभालना चाहिए था। देखो ना, हम उसके हस्बैंड को जाके ना खुद समझाते हैं कि भाई उसको रोको। तो कोई फैमिली में ऐसा कोई था या मतलब लोग थे कि फिर एक सिचुएशन ऐसी आ गई, फिर उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया? क्योंकि मैं ये पूछना इसलिए चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो बातों में आके फिर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे हुआ, बल्कि जहाँ तक के रिटन फॉर्म में मेरे हस्बैंड को लेटर्स लिखे गए कि आप ये बहुत बिजनेस पर समझती है अपने आप को, ये क्या कर रही है और ये क्यों कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे। तो लकीली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ में, और शुक्र है अल्लाह का कि जब बिज़नेस आपका चलने लगे तो किसको बुरा लगता है? किसी को भी बुरा नहीं लगता, सिवाय देखने और सुनने वालों को। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो मेरा ख्याल में सब आदमियों को, मैं तो मिसाल दूंगी अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की, कि सब लोगों को, हस्बैंड्स को स्पेशली और बच्चों को, कि ये सपोर्ट करें अपनी मदर्स को और अपनी वाइफ्स को, कि वो ज़रूर आगे आएँ। और इसमें आपका अपना फ़ायदा है, माँ का तो जो फायदा, अच्छा माँ जो उनसे वो घर के जबेलों से निकल जाएगी अपने सारा कुछ समेट के। मैं भी घर से कुकिंग करके निकली हूँ अभी, अब मैं जब आई हूँ घर की चीज़ें समेट के, अपनी सास को खाना दे के, बच्चों का खाना निकाल के, सबका, आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो मेरा ख्याल में कि ये करना चाहिए, ज़रूर करें और सपोर्ट करें अपनी फैमिली को। सही। अच्छा आयशा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन आई नीड टू आस्क ऑन बिहाफ ऑफ आर फॉलोअर। एक साहब हैं, उनकी तरफ से उन्होंने कहा, जी वुमेन एम्पावरमेंट में तो हम बहुत बात करते हैं, कभी आप ज़रा मैन की एम्पावरमेंट पे भी बात कर लें। उनका एक क्वेश्चन ये था कि जो मतलब उनके कोई रिलेटिव हैं, कुछ इस तरह से है, तो उनके कोई सिलसिले चल रहे हैं उनके साथ, तो वो ये कह रही हैं कि वो ये हर दफ़ा उनको ये कहती हैं कि देखो मैं हूँ पढ़ी लिखी, मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगी और मैं जाके अपना काम स्टार्ट कर लूँगी। कहती इस सिचुएशन को मैं किस तरह से हैंडल करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। कि हर दफ़ा जब कोई घर में बात होती है, कोई मसला होता है, तो वो ये कहती हैं कि देखो मैं तो जाके बाहर संभालूँ, कि तुमने अपने बच्चे खुद ही संभालने। मेरी बात सुने, वो कर ही नहीं सकती ना, इसीलिए तो वो अभी तक सिर्फ वो कर रही है, ड्रावे धमकावे दे रही है। तो गाड़ी क्या होता है, साइकिल क्या दो पहियों से चलती है, एक पहिए से तो नहीं चल सकती ना। आप चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग हो, जितना मर्जी आप कर लें, तो मेरा ख्याल में यहाँ पे थोड़ी सी, और वुमेन एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा इस हक में हूँ, लेकिन जो अभी सिलसिले हमारे निकल आए थे उसके हक में मैं बिल्कुल भी नहीं। फेमिनिज्म और ये बाकी सारी चीज़ें, एग्रीड। मैंने खुद बहुत सी रैलीज अटेंड की हैं बीइंग अ वुमेन सपोर्टर, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा डिटूर हो रहा है, तो फिर आई गॉट टोटली अगेंस्ट। Agree. Thank you very much, Aisha, for your time, for your support and love. I mean, you're an amazing speaker. Bahut shukriya. Thank you so much. आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी है, अल्लाह माफ़ी दे, बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान में आयशा खुर्रम जैसी ख़वातीन भी काम कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान का जो नाम है इंटरनेशनल लेवल पर भी माशाल्लाह चमका रही हैं, और नाम वहाँ पर आई थिंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोशन भी कर रही हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय।